अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैनाली टीवी। दोस्तों, ये आज लैपटॉप की बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं है। ठीक है, इसमें फॉल्ट देखेंगे क्या है। सबसे पहले ये इसका पावर सप्लाई चार्जर है इसका। तो अगर हम इसके चार्जर में देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वोल्ट में बिल्कुल वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, चार्जर इसका ठीक है, 19.367 वोल्ट। ठीक है, 19 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पे ये शायद टूटा हुआ अंदर से, ये लूज़ करता है। ठीक है, इसलिए शायद ये ऑन नहीं हो रहा। इसका ऑन ऑफ का ये इसका बटन है ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। चलो इसको रिमूव कर लेते हैं। ये HP का है। ठीक है, ये इसकी बैटरी है यहाँ पे। ये इसकी बैटरी है। तो इसको इसमें स्क्रू वगैरह नहीं होंगे, नहीं है इसमें स्क्रू वगैरह नहीं है, क्योंकि ये लॉक लगे हुए हैं इसमें बस। ये इसका कवर, अब नीचे स्क्रू हैं, इसके स्क्रू रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये इसके इसकी डिस्क निकाल लेते हैं। इसकी डिस्क है। ठीक है, ये इसकी हार्ड डिस्क है। स्क्रू तो रिमूव कर दिए। तो मैं इसको सारा रिमूव नहीं करता, ऊपर सारे इसका कीपैड को मैं यहाँ से बस जहाँ चार्ज लगता है वहाँ पे इसको स्क्रू रिमूव किया। अब हम यहाँ इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है,
अब हम इसको ये हमारा पॉइंट है, इसमें फॉल्ट है, ठीक है, ये अंदर से ये लूज है। हम इसको बस रीसोल्ड करेंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि अंदर से तार इसकी जो है वो टूटी हुई या रिमूव हो चुकी है, तो हम इसको बस रीसोल्ड करेंगे। तो हम इसको बस अब हम इसको दोबारा से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जहाँ पे थी, ठीक है। तो जी ये दोबारा से मैंने ऐड कर दिया, पावर दे दिया। अब इसका ये देख सकते हैं, इसकी लाइट भी ऑन हो चुकी है, ठीक। अब इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं, ये इसका पावर बटन है, ठीक है। अब हम इसको यस ऑन हो चुका है, ठीक है, HP नॉर्मली, ओके एंटर। ये अभी स्टार्टिंग है, ऑन हो चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके okay।